चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ, एक्चुअल में ये मैग्नेटिक नहीं है, ये मैग्नेटिज्म का पार्ट चल रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बहुत पहले खत्म हो गया था, तो हम लोग इसमें आज लेक्चर नंबर 16 पर पहुंच गए हैं और लमसम अप्रोक्सीमेटली डेढ़ महीने ये चैप्टर चल गया है ना, और अभी एक दो सेशन, तीन सेशन कम से कम और चलेगा, ठीक। तो आज पढ़ने वाले हम लोग एटॉमिक मैग्नेटिज्म, ठीक है। आज थोड़ी सी केमिस्ट्री इस्तेमाल होगी, ठीक है, जिसके बारे में पहले से जानते हो गए आप, क्योंकि उसके अंदर कुछ रिलेशन देखेंगे सेंट्रीपेटल फोर्स का। बोर्स बोर्स साहब ने हमें दो ऐसे रिलेशन दिए थे, एक तो एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताया था और एक बताया था उन्होंने सेंट्रीपेटल फोर्स रिलेशन क्या होता है, और वो उसमें रिलेट किया था प्लैंक कांस्टेंट के साथ, किसको भाई, एंगुलर मोमेंटम को, है ना, ये होता है। तो पढ़ लेते थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है। एन एटॉमिक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन व्हिच इज परफॉर्मिंग क्या है भाई, बाउंडेड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बाउंडेड वर्ड यूज किया कि बंधे हुए हैं वो अपनी क्या भाई कंफिगरेशन को, कभी भी छोड़ते नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रोटेट करते हैं अराउंड न्यूक्लियस, है ना। ऐसे सेल्स होती हैं जिसमें 1 2 3 4 करके ऑर्डरिंग होती है ना, फर्स्ट सेल सेकंड और ऐसे इस तरीके से। तो इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सबसे आउटर मोस्ट में सबसे वीकर बॉन्ड होता है या फिर वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, है ना, जिससे कि इलेक्ट्रॉन वहीं से वहां से रिलीज हो जाते हैं। चलिए बड़ा नाम है, उतना उसमें डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। मैं इन सबको मिटा के आपको कोई एक सिंगल सेल के रिस्पेक्ट में बात करूंगा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। तो मैंने आपको ऐसे बता दिया, तो यहाँ पर एक डिस्टेंस होगी, मान लेते हैं क्या है, आर्क रिलीज हो जाएगा, ठीक। तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवॉल्व कर रहा होगा इसके चारों तरफ, तो क्या कर रहा है, एक फिक्स डिस्टेंस पर एक सर्कुलर मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसका मतलब आई थिंक ये वाली जो सेंटेंस लिखा हुआ है समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। और इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होने वाली नहीं है, ठीक है। Around nucleus, a current constitute with this orbital motion. अब यहाँ से थोड़ी physics आ रही है, chemistry हो गई, पहला वाला part तो chemistry हो गई, अब physics में आते हैं। physics क्या कहती है कि जब भी charge motion में होगा तो फिर वो उसको ही तो current कहेंगे, rate of change of क्या, rate of flow of charge is equal to time, या फिर rate of change of position of charge from one end to another end, तो हो जाएगा क्या आपका motion में आ गया, और जैसे ही चार्ज मोशन में आता है उसको क्या कहने लगते हैं, करंट। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को कोई अगर ऑब्जर्व कर रहा है तो कह रहा है चार्ज फ्लो कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब ये इसको हम करंट के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल वही लिखा हुआ है वहां पर, देखिए। हेंस ऑर्बिट बिहेव्स लाइक करंट का ए लूप, तब ये जो आपका सर्कुलर पाथ है ऐसा हम लोग ट्रीट कर सकते हैं एज अ वायर जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, और करंट का जो चार्ज है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक। ड्यू टू दिस, अब आपको अच्छे से बताया, किसने बताया था, ओस्टेड साहब ने बताया था कि जब भी किसी वायर के अंदर चार्ज फ्लो करता है यानी करंट फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है। वर्ड यूज किया मैंने इंड्यूस, मतलब उत्पन्न हो जाएगी, जब तक चार्ज फ्लो करेगा तभी तक, वो रुक गया तो मैग्नेटिक फील्ड गई। तो इसका मतलब यहाँ पर एक सर्कुलर है ना, ये सर्कुलर लूप वाला कंसेप्ट लगेगा, तो इसका मतलब है जहां पर न्यूक्लियस मतलब सेंटर पर ही आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है सर्कुलर लूप में, याद करो एक सर्कुलर लूप बनाते थे अपन, राइट हैंड थंब रूल यूज करते थे, सेंटर पे ही आती थी ना, या तो इनवर्ड होगी या तो आउटवर्ड, डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो यहाँ पर जो चार्ज का मोशन है उससे करंट मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का अपोजिट डायरेक्शन होता है करंट का फ्लो, यही तो पढ़ते आए हैं ना कि इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में अपन क्या मानेंगे, फ्लो ऑफ करंट, यही तो सिखाया था मैंने, ठीक। तो इस तरीके से क्या हम लोग जान सकते हैं कि आपका करंट किस तरफ है, और करंट पता चल जाएगा तो अपन जान सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड या फिर आउटवर्ड, क्लियर है ना। चलिए आगे देखते हैं, तो यहाँ देखिए एट न्यूक्लियस पोजीशन दिस फेनोमेनन कॉल्ड एज एटॉमिक मैग्नेटिज्म, इसी फेनोमेनन कहते हैं एटॉमिक मैग्नेटिज्म। लिख डालो फटाफट, लिख लिया। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं मैंने ये इसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी चेंज नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ वी विल बी कांस्टेंट, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी एंटी क्लॉक, मैंने क्या मान लिया इसके हिसाब से क्या हो गया ये ACW, है ना। करंट का डायरेक्शन क्या होगा, CW, करंट का क्या हो जाएगा, CW हो जाएगा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक आगे बढ़ जाते हैं। तो आप देखो ध्यान से, तो इस केस में अगर हम सेंट्रीपेटल की बात करेंगे, सेंट्रीपेटल कहां जाएगा, इनवर्ड सेंट्रीपेटल कैसे कहा था, हमेशा टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है। तो ये डायग्राम अच्छा बना हुआ है, यहां से देखिए क्या मैंने सही पढ़ाया, इलेक्ट्रॉन और उसके अपोजिट में करंट, अगर ये ACW है तो करंट क्या हो जाएगा, CW, करंट से क्या मिल जाएगा हमें, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, चलो निकाल ही लेते हैं। तो क्या सिखाया था मैंने, कुछ नहीं करना, एक टेंजेंट बना लो,
इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट की तरफ एरो बना लो, फिर ये पेन रख लो, फिर राइट हैंड थंब रूल, यानी कि क्या होगा, क्रॉस, यानी वो बना भी है क्रॉस। क्लियर है? इनवर्ड होगा कि नहीं होगा? फील क्या होगी? अंदर की तरफ जा रही होगी। चलिए, तो बोर्स पोस्टुलेट में दो पोस्टुलेट है। पहला पोस्टुलेट क्या कहता है कि जो आपका सेंट्रीपेटल फोर्स है वो किसके बराबर होगा, बताओ, याद है किसी को? अगर आपको याद है तो एक सिंपल फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया हमेशा से, के क्यू वन क्यू टू अपॉन, सही है, लिख दो फटाफट, ठीक है। और सेकेंड पोस्टुलेट क्या होगा बताओ? अरे बाबा एमवी जिसको नहीं आ रहा उसके लिए, जिसको अभी भी समझ नहीं आ रहा, देखो बेटा ध्यान से यार, न्यूक्लियस और इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो दो चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो होगा ना, तो यहाँ प्रोटॉन था या इलेक्ट्रॉन था, तो के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, इसका मैंने क्या यूज किया है, मैंने यूज किया है कूलम्स लॉ, ठीक है, तो इसको बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट सेकेंड पॉस्टुलेट क्या कहता है, जो आपका एंगुलर मोमेंटम होगा वो बराबर होगा किसके, बताओ? अब यहाँ डिपेंड करता है कि सर कौन से आप ऑर्बिट में हैं। फॉर nth ऑर्बिट हो जाएगा n इनटू h अपॉन 2 पाई, ठीक है, जहां पर n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 2 3 4 एंड सो, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम जिस भी ऑर्बिट में आएंगे उस हिसाब से v देख लेंगे, उस हिसाब से r देख लेंगे, क्लियर है कि नहीं? तो अगर मैं इसको करेक्ट फॉर्मेट में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, वी एन आर एन, गलत लिख दिया क्या कुछ मैंने? हाँ नहीं, नहीं आया तुमको, देखो बेटा अब अगर हमने यहाँ पर n की वैल्यू 4 ले ली, ये 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर r की वैल्यू भी चेंज होगी ना, नहीं होगी? तो हर आपका जितने भी शेल होते हैं भैया सबकी दूरी बराबर थोड़े ना होती है, अलग अलग होगी ना, रेडियस भी तो बदलेगा। तो फॉर्मूला, करेक्ट फॉर्मूला क्या होना चाहिए था, वी एन आर एन, जहां पर हम जिस सेल नंबर पे रहेंगे उससे अपन देख लेंगे कि कितना उसमें वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सब में बराबर रेट ऑफ चेंज छोड़ना आता है, सब में सेम स्पीड में मूव करता है क्या, नहीं करता है, अलग अलग, केमिस्ट्री पढ़ लो थोड़ा सा, अलग अलग होता है ना, इसका मतलब सब में ये वी बदलेगा और आर ही बदलेगा, तो ये रिलेशन इस तरीके का होना चाहिए, ये रिलेशन क्या हो जाएगा, जनरल ये हर जगह काम आएगा, ठीक है, लिख डालो फटाफट, ठीक है, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिए ऑर्बिटल करंट, ये क्या है, वही आई की बात कर रहे हैं जो अपन ने लिखा था, तो आई क्या होना चाहिए, तो आई का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, ई इनटू, बताओ एफ लिख दूं क्या, अरे ये एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी से आपका चार्ज मोशन कर रहा है, ठीक है, आई एक स्केलर क्वांटिटी होता है, उसका मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखा है, इसलिए ई लिखा मैंने, ठीक है, और एफ को और क्या लिख सकते हैं, सर टी लिख दोगे और क्या लिख दोगे, तो बचपन से पढ़ते आए हैं कि आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी होता है ना, है ना, और क्या लिख सकते हैं इसको, और कोई फॉर्मूला आपको, अगर अभी सर्कुलर मोशन का इस्तेमाल करना चाहिए आपको, लिख सकते हैं ई वी अपॉन क्या जाएगा, 2 पाई, ठीक है, इस तरीके से, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 2 पाई आर होगा ना, 2 पाई आर, ठीक है, फिर नेक्स्ट लास्ट क्या होगा बताओ, बताओ ई ओमेगा अपॉन क्या आएगा, ओमेगा केस में क्या जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। अच्छा देखो इसका डेरिवेशन बता देते हैं, सब बहुत आसान है, ये कैसे आया यार, एक फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, अच्छा यही होता है क्या, तो टाइम बराबर क्या होता होगा, हाँ डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, अब 1/T को तुम देख लो क्या किया हमने, हमने वही लिखा हुआ है, 2 पाई क्या, सर्कमफेरेंस ऑफ द सेल, डिस्टेंस हो गया और स्पीड कितनी थी v, अब 1/T में जब पुट करेंगे तो v कहां जाएगा, न्यूमरेटर में, ये डिराइव हो गया, देखो 9वीं क्लास का इस्तेमाल हो रहा है, तुम्हें पता नहीं चल रहा, ठीक, फिर यहां क्या किया, कुछ भी नहीं किया, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा फॉर्मूला बताओ, v अपॉन r, ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन, बस हमने यही यहां पुट कर दिया है इस फॉर्मूले से, ये फॉर्मूले याद नहीं किए जाते, बहुत बेसिक फॉर्मूले हैं ये, ठीक है, रटोगे कब तक रटोगे, ठीक है, हो गया ये, आगे बढ़ जाएं, यस सर, चलिए नेक्स्ट, मैग्नेटिक इंडक्शन एट न्यूक्लियस पोजीशन, अब मैग्नेटिक इंडक्शन से मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, तो लिखिए बी एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब न्यूक्लियस पे क्या होगा, लिखिए म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, ठीक है, ये कैसे पता मुझे, मुझे जैसे पता है बड़े भाई
ये मुझे पता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर लूप एट सेंटर क्या होता है, म्यू नॉट ए अपॉन, यही तो होता है ना, भूल गए? अरे हम लोग ने पढ़ा था एक सिंगल सर्कुलर वायर के कारण उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट ए अपॉन 2r, ही तो होता है। फिर r इज द रेडियस, इस केस में ये r आपका शेल का रेडियस हो गया, ठीक है। आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो चार्ज मोशन में है, ठीक है। अब आप चाहे तो उसके 10 फॉर्मूले बना लीजिए, कैसे आई का फॉर्मूला हमने बनाया हुआ था, तो इसी को हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। लिख देंगे म्यू नॉट ई एफ अपॉन 2r, और क्या लिख सकते हैं, जितने फॉर्मूले मैंने लिखे थे सब लिख डालो वापस से आप, ठीक है। जो पीछे लिख के आ रहे हो वो सब इस्तेमाल कर लो, क्या इस्तेमाल कर लो भाई, तो ये आई के जितने फॉर्मूले हैं उतने मतलब कितने बन जाएंगे, 1, 2, 3 और बन जाएंगे, 3 बार आई की वैल्यू बदलो, ठीक है। तो यहाँ पर और क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट ई अपॉन 2πt 2rt ना बेटा, हाँ, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, जितने फॉर्मूले हैं सब लिख दो, म्यू नॉट ईवी अपॉन 2πr, हाँ, म्यू नॉट ईवी अपॉन 2πr, उसमें था ना, ये हो जाएगा r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा म्यू नॉट ई ओमेगा, ठीक है, अपॉन 4π, 2 to 4 हो जाएगा ना, एक और 2 था, 2 to 4 हो जाएगा, 2 to 4, ठीक है। इसमें पहले से एक 2 था इसलिए गलतियां हो रही हैं आपसे, ये हो गया। फिर एक आ जाएगा आपका म्यू नॉट ई ओमेगा अपॉन 4πr, एक r पहले से, ठीक है। तो ये हो गए आपके फॉर्मूले, म्यू नॉट ई ओमेगा अपॉन 4π, ये हो गए तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड एट न्यूक्लियस के फॉर्मूले। सारे फॉर्मूले बहुत सिंपल है, बस वैल्यू पुटिंग की गई है, कुछ भी नया नहीं है। अब मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है भाई, आपको अच्छे से पता है, मैग्नेटिक मोमेंट को कैपिटल एन नोट करते हैं, स्केल होती है एन इंटू आई इंटू ए, वेयर एन की वैल्यू अगर हमारे केस में 1 है तो एम क्या हो जाएगा, आई ए। एन क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ टर्न्स, हमारे केस में तो एक ही टर्न है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई ए करेंगे तो एम की वैल्यू निकालो, आई तो पता ही था, ए क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक, दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, बस आई को ही तो चेंज करोगे, एरिया पाई आर स्क्वायर करने वाला है, तो वो सारे फॉर्मूले बना के लिख लोगे, तो लिख डालो फटाफट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ई पाई आर स्क्वायर अपॉन टी, फिर क्या हो जाएगा, ई, फिर क्या आएगा बेटा, यहाँ पर क्या था वो फॉर्मूला भूल गया, वी अपॉन 2πr ना, वी अपॉन 2πr, और यहाँ पर एक पाई आर स्क्वायर ऑलरेडी है, ये पाई पाई कैंसिल, आर आर कैंसिल, क्या आ जाएगा, ई वी आर अपॉन 2, ये आ गया, ठीक है। और एक आ जाएगा आपका e omega r square by 2, लास्ट क्या आएगा, e omega r square upon 2, ये सही कर दो, हम उसको सॉल्व नहीं करना चाह रहे हैं, इसलिए ऐसा सॉल्व करना होगा तो वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। ये हो गए तुम्हारे फॉर्मूले फॉर मैग्नेटिक मोमेंट। अच्छा मुझे ये बताओ फटाफट, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन और जो आपके मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन अलग अलग होगी क्या, चलो याद है ना, ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़ जाएं, यस सर, पैरेलल होगी, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिलेशंस, ठीक है। तो यहाँ पर ये फिगर बहुत अच्छा बना हुआ है, जरा ध्यान से देखो, इसमें कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लो प्लीज। जैसे मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है जानबूझ के तुम्हें, चार्ज का डायरेक्शन ऑफ मोशन दिया हुआ है, और जिससे कि तुम एंगुलर मोमेंटम और इसके बीच में रिलेशन देख पाओ, तो क्या होगा तुम्हारे हिसाब से बताइए। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m इंटू v इंटू r, तो हमारा जो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है वो क्या है बताइए, ई वी आर बाई 2, ये तो है ही, है कि नहीं है, तो अपन इसको चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं बाई मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग बाई m, बन जाएगा m v r, यानी कि e इंटू l अपॉन, रिलेशन मिल गया कि नहीं मिल गया, मिला कि नहीं मिला, ये मास क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या मास ऑफ जो भी चार्ज आप लेके चल रहे हो, ठीक है, जो भी चार्ज आपका मोशन में है जितना भी उसका मास लेना चाहते हो, क्वेश्चन के हिसाब से एम की वैल्यू आप ले सकते हो, ठीक है। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में सारी चीजों को वेक्टर में लिखना पड़ेगा, क्या जाएगा,
m वेक्टर इज इक्वल टू माइनस e, क्योंकि अब यहां पर ओरिजिनल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, दैट इज माइनस e अपॉन 2m। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब ये माइनस साइन का सिग्निफिकेंस क्या होगा? इट मींस दैट द एंगुलर मोमेंटम एंड मैग्नेटिक मोमेंट विल बी अपोजिट टू ईच अदर। इसका रीजन पता है क्या है? कि इसका रीजन ये है कि जो तुमने करंट को मान लिया अपोजिट डायरेक्शन में, और चार्ज का मोशन एंगुलर मोमेंटम में तो हम चार्ज को पकड़े चलेंगे, अब जो मोशन करेगा उसकी बात करेंगे, जो है ही उसकी बात तो करेंगे नहीं। अब ये बात तो बहुत पहले बता दी गई थी कि असलियत में जो करंट फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण करता है, इलेक्ट्रॉन ही है जो आपका मोशन में रहता है, लेकिन पहले इलेक्ट्रॉन की खोज बाद में हुई और करंट की खोज पहले हो गई। तो पहले से ये माना गया है कि हमेशा करंट पॉजिटिव साइड से फ्लो करता है और नेगेटिव साइड की तरफ जाता है, ठीक है? तो इसीलिए, अरे बड़े भाई कह रहा है मतलब समझना नहीं है, लिख रहे हैं सर, हटो सर पूरा एफर्ट लगा के समझा रहे सर, हटो लिखने दो, अरे गुरु चलो लिख लो तू, ठीक है? ये आता ही है सिर्फ नोट बनाने के, नोट बन जाए। अच्छा सुनो मेरी बात वापस से, क्योंकि ये समझ नहीं पाओगे खुद से, ठीक है? इतना कैपेबिलिटी नहीं है। ये माइनस साइन, क्योंकि बाद में यही नहीं पता रहेगा कि एंगुलर मोमेंटम जब अपन निकाले थे, ये नेगेटिव साइन हमेशा सही है। क्यों? क्योंकि हम लोग ने मैग्नेटिक मोमेंट के लिए क्या लिया था? मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड किससे निकाले थे? करंट से निकाले थे, और जब ने करंट हमेशा मान लिया कि इस तरफ फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड उल्टा चली गई, नीचे चली गई, ठीक है? अगर स्टार्टिंग से तुम चेक करना, स्टार्टिंग से अगर तुमने इलेक्ट्रॉन का ही डायरेक्शन माना होता करंट का, तो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें ऊपर मिलती, और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर मिलती तो मैग्नेटिक मोमेंट भी ऊपर मिलता, और एंगुलर मोमेंटम में तो ये सब चलेगा नहीं, वो तो कहेगा जो मोशन कर रहा है मैं उसकी बात करूंगा, तो जब मोशन कर रहा है सर्कुलर मोशन के हिसाब से, तो वो हमेशा भी इधर लेगा, तो इसका एल कहां आएगा? ऊपर। तो एल और बी पैरेलल हो सकते थे, लेकिन अब इसके लिए पूरी फिजिक्स कौन चेंज करे, इसलिए चुपचाप जो है वैसे ही पढ़ लो, है ना? तो इसका मतलब है करंट इधर फ्लो कर रहा था और मैग्नेटिक मोमेंट नीचे होगा, और जो एल है वो हमेशा ऊपर होगा, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। यही कहानी अच्छी है क्योंकि इससे कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, ठीक है? लेकिन असलियत भी जानना जरूरी है, ठीक है? तो लिख डालो फटाफट, अरे जो समझे वो लिख डालो कि एंटी पैरेलल है। लिखिए फॉर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, अरे भैया पूरा फोकस है, छाप ले इलेक्ट्रॉन, इट्स मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम आर एंटी पैरेलल, ठीक है? एंटी पैरेलल एक्सियल वेक्टर्स, एक्सियल लिखने से फायदा ये होगा कि हमेशा एक्सिस से पास हो रहा है, ये आपको पता रहेगा, ठीक है? आगे बढ़ जाए। यस। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए बोर मैग्नेट्रॉन, ठीक है? लिखिए इसके अंदर, लिखिए अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी, एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय एन एच अपॉन, अभी इसके पहले ही पता चुका हूं, जहां पर n की वैल्यू क्या होती है, वेयर n क्या है, ठीक है? अब मैं बोर्स की थ्योरी लिखवा रहा हूं, ठीक है? और h क्या होता है? h इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है? लिखिए आगे, लिखिए तो n क्या हो गया, h क्या हो गया, प्लैंक्स कांस्टेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा फॉर nth ऑर्बिटल, क्या लिखोगे? लिखो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा अगर हम प्लैंक के फॉर्म में लिखना चाहें, तो कैसे लिखेंगे? अभी रिलेशन बनाया था ना, क्या बनाया था रिलेशन बताओ आपका, क्या था? एक मिनट, क्या रिलेशन बना था? el अपॉन 2m, तो इसकी इस हिसाब से क्या बनेगा यहां पर, el अपॉन 2m के हिसाब से अगर करें, यहाँ क्या लिख सकते हैं, n nth ऑर्बिटल, हाँ 2 पाई 2m 4 पाई mn,
एन एच अपॉन टू पाई इंटू ई अपॉन टू एम क्या आ जाएगा एन ई एच अपॉन फोर एम लिख लो फटाफट ठीक है। तो जब n की वैल्यू 1 होगी तो क्या आ जाएगा n is equal to 1 तो जाएगा बताओ m is equal to eh upon 4m number 5 ठीक है which is Bohr magneton इसे क्या कहते हैं ठीक है मैग्नेटॉन होता है मैग्नेट्रॉन नहीं होता है ये गलत लिखा हुआ है मैग्नेटॉन होता है ठीक है। इसको डिनोट कैसे करते हैं म्यू डिनोटेड बाय म्यू बी लिखा है बीटा नहीं लिखा हुआ है लिखने का स्टाइल ही वही ठीक है। ठीक है इसकी वैल्यू लिख लो म्यू बी की वैल्यू कितनी होती है इसकी वैल्यू लिख लो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में काम आएगा 0.923 इनटू 10 टू द पावर -23 देखो यहां 23 होगा ठीक है लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट अब ये कुछ डेटा लिखवा रहे हैं वो लिख लो बेसिक एलिमेंट ऑफ एटॉमिक मैग्नेटिज्म फॉर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन अब हम जिसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं किसका हाइड्रोजन का बना रहे हैं ठीक है पर एल इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं और जेड इज इक्वल टू तो 1 होगा ही ठीक है। चलिए लिखिए इसमें पहला लिखिए एक्यूरेट फॉर्म ठीक है इसके अंदर लिखिए V की वैल्यू लिखिए 2.18 into 10 to the power 6 meter per second ठीक है फ्रीक्वेंसी लिखिए फ्रीक्वेंसी लिखिए 6.6 into 6.6 into power 15 cycle per second ठीक है और रेडियस है इसका 0.529 एंगस्ट्रॉम ठीक है। इसका ऑर्बिटल करंट होता है 0.96 मिली एम्पीयर ठीक है। नेक्स्ट मैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि बी एन होता है देखिए 12.8 टेस्ला एंड मैग्नेटिक मोमेंट होता है 0.923 क्योंकि एन की वैल्यू 1 है ये पहले ही निकाल चुके हो भाई पीछे लिखवाया ना यही तो होगा बोर मैग्नेटॉन है ना। अब सिंपल फॉर्म ये तो एक्यूरेट हो गया दूसरा फॉर्म है सिंपल फॉर्म जिसमें हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं ठीक है इसमें हम लोग क्या करते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू ठीक है। तो इसमें लिखिए 2 into 10 to the power 6 मीटर पर ये आपका भी होगा इसमें बोला ना अप्रोक्सीमेट लेना है ठीक है। फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 6 into 10 to the power 15 साइकिल पर ठीक और आपका आर हो जाएगा लिखो 0.5 ये अप्रोक्सीमेट ठीक इस तरीके से तो इसमें वैल्यूज बदल जाएंगी ठीक है। तो आई हो जाएगा आपका 1 मिली एम्पीयर बी एन हो जाएगा लिखिए 4 पाई टेस्ला ये हो जाएगा 4 पाई टेस्ला ठीक है एंड मैग्नेटिक मोमेंट लिखिए हो जाएगा म्यू बी के बराबर यानी कि जो पहले लिखी थी दोबारा से वही भी क्या होता है 0.9
9 into 10 to the power -23 ampere meter square, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक, नेक्स्ट खत्म, अब सब थ्योरी पढ़ना है, टेंशन मत लो, अच्छा लिख लो, बिल्कुल याद करना पड़ेगा, मैग्नेटिज्म में भी याद नहीं करोगे तो कहाँ करोगे, कभी तो थ्योरी पढ़नी ही पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ जाए, ये तो वही एक्स्ट्रा स्पेस है, यहाँ देखिए नेक्स्ट सेटिंग, अ नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड बॉडी इज रोटेटेड विद सम एंगुलर स्पीड, यानी कि एंगुलर स्पीड क्या होगी, ओमेगा होगी, और जिसको रोटेट करेंगे तो एक्सिस के अलोंग ही ओमेगा को रिप्रेजेंट किया जाता है, नॉन कंडक्टिंग बोल दिया यानी कि कोई ऐसा है जिसपे कंडक्टिविटी तो नहीं हो सकती लेकिन उसको हमने सरफेस को चार्ज कर दिया तो कोई एक पोलैरिटी वो लेके जरूर चल रहा है जो कि यहाँ दी हुई दैट इज पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा अगर हम रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे तो क्या आएगा, तो आपको अभी तो बताया था एम इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, मुझे रिंग दिख रहा है तो मैं रिंग बोलूंगा, जो भी सरफेस है व्हाटएवर, तो मैं क्या लूंगा क्यू ले लूंगा, तो मैंने कहा रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम गिवन बाय क्यू अपॉन टू एम, इज इट ओके और नॉट, लिख डालो फटाफट, क्यों क्या है चार्ज, क्यों क्या है व्यालिंग टू वेयर, क्यों क्या है चार्ज, ठीक है, और एम क्या है मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, ठीक। तो अगर हम इस केस को और आगे बढ़ाएं तो क्या होगा, एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल की वैल्यू को अगर लिखना चाहें तो क्या होता है, अगर हम सर्कुलर मोशन चले जाएंगे तो उस केस में क्या आ जाएगा बताइए, अगर इसका हमने रेडियस आर मान लिया, क्या है लेट द रेडियस ऑफ रिंग कितना है वो कैपिटल आर, ठीक है, और इसके सारे पैरामीटर को आप एज्यूम कर लीजिए एंड रोटेटेड बाई एंगुलर स्पीड ओमेगा, सब कर लो ना फटाफट, एंड एंगुलर स्पीड कितनी है ओमेगा, ठीक है, हम लोग यहां पर फॉर्मूले लिख सकते हैं दैट इज एल इज इक्वल टू क्या होता है आई ओमेगा, ठीक है, क्या होता है आई ओमेगा, आई क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग इज क्या होता है एम आर स्क्वायर, क्या होता है एम आर स्क्वायर, ठीक है, यहां लिख देते हैं आई क्या है मोमेंट ऑफ, ये सब 11 में पढ़ा हुआ है और हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है, तो यहां अभी लिख लीजिए, ठीक है, आगे बढ़ जाएं। और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है वो तो सर हो जाएगा आई इंटू, अब यहां स्मॉल आई यूज कर लूं क्या, क्योंकि इससे कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना, करंट को स्मॉल आई से नोट कर सकते हैं ना आसानी से, और ये क्या होता है एरिया क्रॉस सेक्शन, वो निकल जाएगा पाई आर स्क्वायर से, और यहाँ पर आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा क्यू जो कि चार्ज है और एफ जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है, फटाफट नोट करिए, और अगर हम चाहें तो फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट कर सकते हैं ओमेगा अपॉन टू पाई में, है ना, तो ये जाएगा ओमेगा अपॉन टू पाई इंटू और अब हम वापस से वही फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है, कौन सा जो पहले ऊपर बनाया हुआ है एम अपॉन एल किसके बराबर होता है क्यू अपॉन टू एम के, और यहां जो फॉर्मूले बनाए इससे अपना एम अपॉन एल निकाल लेंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो होता है वो चार्ज अपॉन प्राइस ऑफ मास के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है, करके देखो इक्वेशन 1 और 2 का यूज करो और प्रूफ करके बताओ कि जो ऊपर लिखा हुआ है ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, करके जल्दी से बताइए, अब मैं आपको एक टेबल बनवाऊंगा इसके बाद ये वाला, ठीक है, ठीक है, आ गया, आ गया?
तो ये मेरा इक्वेशन नंबर वन है और इक्वेशन नंबर टू है, और जिसको नहीं आता उसके लिए कर रहा हूँ यहाँ पर क्या लिखेंगे डिवाइडिंग टू बाई वन, तो हमें क्या मिल जाएगा m अपॉन l इज इक्वल टू टू अपॉन, ठीक है ये मिल जाएगा। अब देखो ये कंडीशन यूज कर रहा हूँ मैग्नेटिक मोमेंट को फाइंड आउट करने के लिए, तो मेरे पास एक परमानेंट फॉर्मूला यहाँ पर गया कि m को मैं निकाल सकता हूँ q इंटू एल की जगह लिखूंगा आई इंटू ओमेगा, आई क्या इनर्शिया ओमेगा एंगुलर स्पीड, और इससे मैं निकालने की कोशिश करूंगा मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्ट बिना किसी एफर्ट के। देखो टेबल, तो यहाँ पर देखो रिंग के लिए इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए यही फॉर्मूला यूज किया क्यू आई ओमेगा अपॉन टू एम दैट इज 1 बाई टू क्यू ओमेगा आर स्क्वायर आ गया। समझ में आ रहा है, मैं ये दूसरा तरीका आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कैसे मैग्नेटिक मोमेंट को निकाल सकते हैं डायरेक्टली बाई यूजिंग इनर्शिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि ये सारा केस क्या है नॉन कंडक्टिंग की बात हो रही है, कौन सा केस चल रहा है नॉन कंडक्टिंग में, तो वहां क्योंकि ऐसे केसेस में करंट नहीं मिलेगा तुम्हें, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग में करंट कहां से लेके आओगे तुम। समझ में आ रहा है मैं क्यों कह रहा हूँ, ये क्यों इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, अगर पढ़ रहे होगे क्लास में इतनी देर से तो पता चल रहा होगा क्यों ऐसा करना पड़ रहा है, बिकॉज नॉन कंडक्टिंग में करंट नहीं होगा, और अगर करंट वाले फॉर्मूले पे डिपेंडेंट रहेंगे तो कभी भी हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे मैग्नेटिक मोमेंट, तो उसके लिए अल्टरनेटिव चाहिए था, तो उसके लिए अल्टरनेटिव बनाया गया दैट इज हम लोग इनर्शिया का यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि हर नॉन कंडक्टिंग के लिए जब भी वो मोशन में रहेगा तो इनर्शिया होगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको नहीं पता उसके लिए बता दे कि क्या होता है, जैसे नॉर्मल इनर्शिया क्या होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था, तो कोई भी बॉडी अपना स्टेट नहीं चेंज करना चाहती है, जिस स्टेट में है उसी स्टेट में बनी रहना चाहती है, तो मतलब क्या अपोजिशन ऑफर्ड बाय द बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट, ठीक। उसी प्रकार से कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन या फिर रोटेशन रोटेटरी मोशन करती है, तो उस समय जो अपोजिशन ऑफर करती है उस समय जो इनर्शिया ऑफर करती है उस मोशन के अगेंस्ट उसे कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब ये दोनों हैं अपोजिशन ही, बस यहाँ पर क्योंकि अलग अलग टाइप के मोशन में है इसलिए अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो सारे अलग अलग शेप के लिए जो जनरल शेप्स हैं उनका इनर्शिया मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया हुआ है, जिससे कि आप डायरेक्टली बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। बस आपको क्या करना है यहाँ पर आई की वैल्यू पुट करनी है, क्यू आई ओमेगा अपॉन टू एम होता है, क्यू पता है ओमेगा पता है टू पता है एम पता है, आई की वैल्यू हमने आपको टेबल में दे दी, आप अलग अलग शेप के लिए मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस एसी फॉर्मूला। समझ में आ गया, तो ये है आपका। तो इसके पहले जो अभी आपने डेरिवेशन किया हुआ था वो आपने वेरिफिकेशन किया था कि क्या हम लोग इस फॉर्मूले से सेम रिलेशन निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। यहाँ पर देखो मैंने आपको ये रिलेशन पहले से पता था, हमने इसको वेरीफाई किया कि अगर हम इनर्शिया का फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या फिर से ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और जो तुमने किया है इससे तुमने ये वेरीफाई किया कि इसका मतलब है ये भी तरीका सही है, उसके बाद हम लोग ने इस फॉर्मूले को यूज करना स्टार्ट किया है इस टेबल में, ठीक है। जल्दी नोट डाउन करिए, इसका स्टार्ट होगा जियो मैग्नेटिज्म। तो यहां पर आपका एटॉमिक मैग्नेटिज्म खत्म होता है और अब स्टार्ट होगा जियो मैग्नेटिज्म, ठीक है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जियो मैग्नेटिज्म, ठीक है। आप ध्यान से देखो यहां पर क्या बना हुआ है, एक अर्थ क्रस्ट बना हुआ है, ठीक है। फिर हमने एक ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिकल साउथ पोल यहां पर रिप्रेजेंट किया हुआ है, एक मिनट कलर चेंज कर देता हूं इसका, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़े, देखिए यहाँ पर पहली बात तो एक फिर से डायग्राम हम साथ साथ बनाएंगे, अब मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं होगी लेकिन फिर भी काम चल जाएगा। देखो पहले सबसे पहले हम एक्सिस वो बना रहे हैं जो सेंटर से पास हो रही है अर्थ के, हमने ये मान लिया है कि अर्थ आपकी कैसी होती है सर्कुलर होती है, कैसी होती है सर्कुलर, ठीक। लेकिन एक्चुअल में ऐसी नहीं होती है, एक्चुअल में अनियन शेप्ड होती है, ओवल शेप्ड है ना, तो वो क्या होती है प्याज आकार होती है, थोड़ा से ऊपर से किसने से दबा दिया है ना तो फैल गई थोड़ी सी, तो ओवल शेप्ड होती है। तो सर्कल तो हर जगह मतलब बराबर रेडियस नहीं होता है एक्चुअल, लेकिन हम लोग जो सॉल्व करेंगे इसमें फिजिक्स में तो हर जगह सेम मान के चलेंगे सर्कल मान के। तो जो भाई आपका ये एक्सिस पास हो रहा है यहाँ, मान लो ये है आपका ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ये क्या है साउथ, मतलब कहने का मतलब कि यहाँ माना जाता है कि यहाँ नॉर्थ है यहाँ साउथ है। अब दूसरी बात करते हैं, फिर एक और एक्सिस होती है जो मैग्नेटिक एक्सिस होती है। अब यहाँ पर देखना ध्यान से, ये तो हो गई आपकी जियोग्राफिक एक्सिस, ठीक है। अब दूसरी एक्सिस होती है मैग्नेटिक एक्सिस, यहीं पर माना जाता है कि इन दोनों एक्सिस में क्या होता है कुछ डिफरेंस है ना, थोड़ा एंगल का डिफरेंस है, दोनों सेंटर से तो पास हो रही है लेकिन इनके बीच में कुछ एंगल बनता है, ठीक है।
अब ध्यान देखना किसको कहते हैं, इस लाइन कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। बगल में डायग्राम बना हुआ है, हम उसको समझाने के लिए दोबारा से रीड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गई तुम्हारी मैग्नेटिक एक्सिस, यानी कि अगर एक मैग्नेट को प्लेस किया जाए तो इस तरीके का ओरिएंटेशन हमेशा बनाता है अर्थ पृष्ठ पे। तो यहां पर आता है आपका साउथ, यहां आता है। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या आ गया, ये आ गया तुम्हारा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक, और ये आ गया मैग्नेटिक ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब तुम लोग मैग्नेट नॉर्थ इधर आ रहा है और साउथ इधर आ रहा है और आप बता रहे हो कि ऐसा होगा, तो तुम लोग को आज तक जो पढ़ाने बताया गया थोड़ा सा गलत बताया गया है। एक चीज तुम लोग को बताते समझाई, जो अपन कंपास लेके चलते हैं ना तो कहते हैं यार ये तो नॉर्थ इधर होगा, तो एक चीज बताओ तुम्हें एक और चीज सिखाई गई थी कि जो सेम पोल होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे। तुमने कभी सोचा नहीं कि ये जो नॉर्थ अगर हमारा अरेंज होता है और साउथ अरेंज होता है तो नॉर्थ हमेशा साउथ वाले पोल की तरफ जाएगा और साउथ हमेशा नॉर्थ वाले पोल की तरफ। तो इस हिसाब से तो हमारा जो है सिस्टम वो तो गलत चल रहा है, हमने तो दिशा वही मानते जो कंपास दिखाता है, है ना। तो आप लोग बताते जब हम लोग पढ़ते आए ना, वैसे नॉर्थ से एमिट होती है साउथ से जाती है, तो अर्थ पृष्ठ में क्या है वो जब अपन नॉर्थ पोल पे जाएंगे तो फील्ड अंदर जाती हुई दिखेगी और जब साउथ पे जाएंगे तो निकलती हुई दिखेगी, तभी तो ये पॉसिबल होगा, तभी तो साउथ जो हमारे कंपास का साउथ है उसको साउथ मानेंगे और उसको नॉर्थ को नॉर्थ मानेंगे। तो एक्चुअल में ये चीज क्या किया गया, उल्टा कर दिया, जो तुम्हारे लिए नॉर्थ है कंपास वाला उसको एक्चुअल में अर्थप्रस्थ में क्या मान लिया, साउथ मान लिया, मतलब धरती के अंदर वो साउथ रहा होगा इसलिए फील्ड वहां पर जाकर क्लोज हो रही है। तो जो हमारा नॉर्थ है, जो हमारा कंपास का नॉर्थ है, वो नॉर्थ डायरेक्शन जो दिखाता है वहां पर वो फील्ड जाके क्या हो रही है, अंदर की तरफ जा रही है हमारे अर्थ पृष्ठ में। तो वहां देखो अर्थ पृष्ठ के अंदर जो मैग्नेट बनाया मैंने उसमें साउथ लिखा हुआ है, ठीक है, तभी तो कंपास उस तरफ अट्रैक्ट होगा। और इसी प्रकार से जो हमारे कंपास का साउथ होगा उसमें यहाँ पर क्या बनाया हमने नॉर्थ, यहाँ पर मतलब कि यहाँ से फील्ड लाइन निकल रही होगी तभी साउथ हमारा इस पर अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, समझ में आया ये चीज। तो ये कभी कभी ऐसा होता है फिगर देखते हैं गलती सर लगता है सर से हो गया होगा, हम यहाँ नॉर्थ कर लेते हैं या साउथ कर लेते हैं, तो सर से गलती नहीं भाई साहब, यहाँ जो लिखा है उसका एक मीनिंग है। ठीक है, फील्ड लाइन वहां से इंटर कर रही है और यहाँ से एग्जिट कर रही है, तभी आपका जो कंपास है वो यहाँ पर साउथ दिखाएगा और यहाँ पर नॉर्थ दिखाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इस तरीके से इसको करेक्शन किया गया है। ये मैग्नेटिक फील्ड डायग्राम है, ये नहीं बनाऊंगा क्योंकि ये हॉचपॉच हो जाएगा फिर दिखेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जो ज्योग्राफिकल एक्सिस है उसके अगर परपेंडिकुलर हम कट करें तो एक सर्कल बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना, ये स्ट्रेट लाइन जो यहाँ फ्लैट बनी गई है वो देखा जाए तो, अगर देखोगे तो ये ऐसे डायमीटर बना है ना। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या है, ये है आपका जियोग्राफिकल इक्वेटर, इस लाइन क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। हमारे इंडिया से इक्वेटर पास होता है, कहाँ से होता है, अलाहाबाद से, दिल्ली कहां से पहुंच गई तुम, दिल्ली कहां से पहुंच जाओगी, अगर ये लाइन को हम इधर झुकाएंगे तो ये इक्वेटर भी इधर झुक जाएगा, है ना। तो मैग्नेटिक इक्वेटर कहां से होगा, अब इसको यहां पर फ्लैट दिखाया जाता है, टू डी फिगर है ना। ठीक है, तो इस तरीके से कभी वर्ल्ड मैप देखना, वर्ल्ड मैप कभी देखा है तुम लोग ने, चक्री पे देखो डॉटेड लाइन बनी होती है, वो इक्वेटर इक्वेटर दिखाता है आपको, उसमें अगर अच्छा वाला होगा तुम्हारे स्कूल में तो उसमें मैग्नेटिक इक्वेटर भी दिखाया गया होगा, ज्योग्राफिकल इक्वेटर भी दिखाया गया, उसमें कई लाइनें होंगी, तो खराब है ये, समझ नहीं आ रहा है, वो सही बना है उसमें। ठीक है, तो वो वाला सिस्टम है, ये जो लाइन है ये कौन सी हो जाएगी आपकी, मैग्नेटिक, समझ में आया। अब इसको बना लो, बाकी तो फील्ड लाइन है, फील्ड लाइन तो समझ में आ ही रहा है कहां से नॉर्थ से एमिट हो रही है और साउथ पे, तो कुछ ना कहीं ये भी गलत है, गलत नहीं है भाई साहब ये तो बल्कि परफेक्ट है, क्योंकि ये क्या है साउथ में लगेगा, यहां से एमिट हो रहा है, यहां से, क्योंकि ये आपके कंपास को रिप्रेजेंट कर रहा है, कंपास कैसे इस पर अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये बिल्कुल सही बना हुआ है, कुछ भी इसमें गलत नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से जल्दी से फिगर बना लें और उसके बाद हम लोग जो है एक एक टर्म को डिफाइन करेंगे। बना लिए, तो कब बनाओ बेटा,
अच्छा ये भी सिस्टम है। अच्छा एक चीज मैं भूल गया, ये आपका जो रोटेशन अर्थ जो रोटेट करती है उसका डायरेक्शन है आपका हमेशा किस तरह, ये कौन सा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। चलो आगे बढ़ जाएं। चलिए पहला आइडिया लिखिए, जियोग्राफिक एक्सिस लिखिए इसके अंदर। इट इज स्ट्रेट लाइन which passes through जल्दी लिखना है लेकिन ज्यादा टाइम देख रही इसमें इतनी चोरी नहीं हो पाएगी। जियोग्राफिकल पोल्स कहां से पास होते हैं? जियोग्राफिकल पोल्स, ठीक है, ऑफ द अर्थ, ठीक है। एक इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। और पोलर एक्सिस ऑफ द अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट जियोग्राफिकल मेरिडियन, ठीक है, नेक्स्ट एंड डालिए जियोग्राफिकल मेरिडियन। देखिए इट इज वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू जियोग्राफिकल एक्सेस। ठीक है, प्लेन मतलब आपको एक पेपर की तरह इमेजिन करना है, ठीक है। अभी बताते हैं, पीछे वाले फिगर पे जाके आपको समझाते हैं कि ये होता है, ठीक है। आप समझो ध्यान से। तो अब मैं ये अपना जो फिगर बनाने से फायदा होगा, इसको मैं इरेज कर सकता हूँ, इसको मैं इरेज कर सकता हूँ, तो इससे क्या होगा, आपको चीजें समझ में आएंगी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अंदर की चीजें इरेज करूंगा, बाकी की चीजें रह लो, कोई दिक्कत उससे है नहीं, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। चलो बस इतना काफी है। तो अगर मैंने कहा एक पेपर चाहिए बेटा, वो दे दो अपना ये फोर शीट, ये देखो वर्टिकल प्लेन मैंने कैसे कहा था, ये कैसे हो सकता है, ये वाई एक्सिस के लोग, तो वाई एक्सिस के तो भाई किसी भी एंगल पर वर्टिकल ही तो है। तो देखना ध्यान से, ये मेरी ज्योग्राफिकल एक्सिस है, मैंने ये पेपर ऐसे इंसर्ट कर दिया अर्थ के क्रस्ट के अंदर, है ना, हो सकता है ना ऐसा। ये प्लेन क्या कहलाएगा, जियोग्राफिकल मेरिडियन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर एक प्लेन अपन अब आगे क्योंकि आने वाला है टॉपिक, एक प्लेन को मैग्नेटिक एक्सिस में कर देंगे तो क्या जाएगा, मैग्नेटिक मेरिडियन। अब इन दोनों प्लेन के बीच का जो एंगल होगा उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो देखो ये समझ में आ गया इसका मतलब क्या था, आगे लिखिए इक्वेटर, जियोग्राफिकल इक्वेटर या जियोग्राफिक इक्वेटर लिखिए। इट इज ग्रेट सर्कल ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, देखिए इट इज अ ग्रेट सर्कल ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, ठीक है, इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द perpendicular to the geographic कह रहे हैं ये एक ऐसा बड़ा सर्कल या ग्रेट सर्कल है जो कि परपेंडिकुलर है किसके, हमारे जियोग्राफिक एक्सिस के, और इस प्लेन पर ये सर्कल बना रहेगा। ध्यान से देखो, अगर इसको इस तरीके से इंसर्ट करेंगे, इस पे अगर एक सर्कल ऐसे बनाऊं तो ये सर्कल हमेशा परपेंडिकुलर है कि नहीं रहेगा इस लाइन के, देखो इस पे बन सकता है ना, ये प्लेन है इस पे सर्कल बन सकता है ना। तो ये ऐसा 2D तो होती नहीं धरती, धरती तो एक सर्कुलर पूरा स्फेरिकल है ना, स्फेरिकल नहीं ओवल है ना, तो ओवल है तो सर्कल तो बना सकते है ना हम लोग, बना सकते है ना। तो वो जो सर्कल बन रहा है वो इस तरीके से बनेगा, है ना, और ये सर्कल का सारा पॉइंट किसके परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर रहेगा कि नहीं रहेगा। बहुत सिंपल सी बात है, एक कैनवस की बॉल ले लेना, उसके ऊपर एक रिबन, दो रिबन बांधना, ठीक है, एक रिबन आप ऐसे बांध देना और एक उसके परपेंडिकुलर। जब आप इसको स्ट्रेट लाइन इमेजिन करना है आपको,
ठीक है, या फिर उसमें छेद करके एक पिन डाल देना और उसके बाद एक रिबन बांध देना जो कि परपेंडिकुलर, अभी जो रिबन है यही इक्वेटर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मेरे पास अभी है नहीं बहुत, नहीं तो फिर हम वो दिखा देते। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, आगे लिखिए, नेक्स्ट लिख लिखिए, इसमें आगे लिखिए ऑल द पॉइंट। वैसे ये सब बहुत बेसिक है, जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी भी लिखवा देते हैं, कोई बात नहीं। ऑल द पॉइंट ऑन इक्वेटर, ऑन इक्वेटर लाइज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम जियोग्राफिक पोल्स। मैं कह रहा हूँ कि नॉर्थ और साउथ पोल से, जियोग्राफिक जो नॉर्थ और साउथ है उससे बराबर दूरी पर इस सर्कल पे जितने भी आपके पॉइंट होंगे सब लाई करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, अ ग्रेट प्लेन, लिखिए आगे, अ ग्रेट प्लेन। अब मैं इसी में एक और टॉपिक लिखवा रहा हूँ जो कि है आपका टॉपिक का नाम, अगर लिखा जियोग्राफिक इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, अ ग्रेट प्लेन पासिंग थ्रू जियोग्राफिक इक्वेटर। ठीक है, जिस प्लेन पर ये इक्वेटर होता है उसकी बात हो रही है, इज कॉल्ड, लिखिए, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड जियोग्राफिक इक्वेटोरियल प्लेन। ये हो गया तुम्हारा, ठीक है बेटा? तो अब सुनना मेरी बात ध्यान से, यहां से हम लोग पढ़ने वाले हेमिस्फीयर। ठीक है, अच्छा ये जो पेपर है, ये जो पेपर है, ये देखो इस अर्थ को दो हिस्से में काट रहा है, एक ऊपरी हिस्सा एक नीचे नीचे वाला है ना, तो ऊपर वाले में नॉर्थ है तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले क्या कहेंगे? तो मैं क्या इसको लिखवाऊं या ऐसे यहाँ पे एक कलर कोडिंग कर दूं, ये रेड पोर्शन क्या हो जाएगा आपका, है ना, ये ज्यादा आसान है, आई थिंक बहुत ज्यादा राइट राइटिंग हो रही है ना, ये हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये तो अंडरस्टूड है। ठीक, और ये इसको मैं इसको कर देता हूँ व्हाइट कलर से, और ये हो जाएगा आपका साउदर्न, ये फिगर में बना लो इसको, क्या लिखो, ठीक है ऐसे कर लो। ठीक है, ठीक, इसको कहते हैं एस एच एस साउदर्न हेमिस्फीयर, कहते हैं NHS नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ऐसे कहते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब आते हैं हम लोग मैग्नेटिक एक्सिस पर। ये हो गया पूरा जियोग्राफिकल एक्सिस से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी सब पढ़ा दी, अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, लिख लीजिए इसमें, पहला लिखिए मैग्नेटिक, इसमें लिखिए इट इज ए स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू, इट इज स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू मैग्नेटिक पोल्स। ठीक है, मैग्नेटिक पर छोड़ रहे, मैग्नेटिक पोल्स of the earth। ठीक है, आगे लिखिए it is inclined to the geographic axis, the at nearly 11.3 degrees। ठीक है, बस दो और पॉइंट लिखने हैं उसके बाद आपका ये टॉपिक यहां कवर हो जाएगा। ठीक है, तो
इनके बीच में एंगल कितना होता है 11.3 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट मैग्नेटिक मेरिडियन। आई थिंक पीछे पढ़ चुके हो, है ना, ऐसा प्लेन जो पास करता है किससे, मैग्नेटिक एक्सिस से, वो क्या कहलाता है, मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, लिख डालो फटाफट, लिखिए, इट इज वर्टिकल प्लेन which passes through the magnetic axis सेकेंड वर्ड लिखें, एट अ पर्टिकुलर प्लेस। अब सुना ध्यान से, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एट अ पर्टिकुलर प्लेस इट इज वर्टिकल प्लेन, इट इज वर्टिकल प्लेन विच passes through axis of free suspended bar magnet। बस छोड़ रहे, दो पॉइंट खत्म कर और मैग्नेटिक। इसका मतलब समझे क्या है, अगर किसी एक हम बार मैट को ऐसे हैंग कर दें हवा में, स्पेस में, तो वो अरेंज क्या करेगा अपने आप को, जैसे आपका मैग्नेटिक एक्सिस है वही मैग्नेटिक पोल की तरफ जाएगा, है ना, तो जो मैग्नेट का नॉर्थ होगा वो मैग्नेटिक साउथ की तरफ जाएगा, और जो मैग्नेट का साउथ होगा वो मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ जाएगा, और अपने आपको अलाइन किसके हमेशा मैग्नेटिक एक्सिस वाली लाइन भी रेफरेंस आएगा ना अपने आपको, तो वहां से ही ये प्लेन जा रहा है। इसका मतलब है जो मेरे फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का एक्सिस होगा यानी जिस लाइन पर वो होगा उसी लाइन पर तो ये प्लेन भी होगा, ये हमेशा मैग्नेटिक एक्सिस पर ही तो अरेंज होगा कि नहीं होगा, ये हो गया आपका, ये वही बात कह रहे हैं। ठीक है, आगे लिखिए, लिखिए एट अ पर्टिकुलर प्लेस, नेक्स्ट पॉइंट है, एट अ पर्टिकुलर प्लेस इट इज अ वर्टिकल प्लेन विच कंटेन्स ऑल द फील्ड लाइन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक। ठीक है, अर्थ मैग्नेटिक। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा, एंड नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक, ये लास्ट टॉपिक है इसका। ठीक है, लिखिए, It is a great circle on the surface of Earth. It is a great circle on the surface of Earth. In a plane perpendicular to magnetic axis. ठीक है, ऑल द पॉइंट्स ऑन मैग्नेटिक इक्वेटर इन
मैग्नेटिक इक्वेटर आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम मैग्नेटिक ये। अगली क्लास में पढ़ेंगे मेन एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जो आपका मेन टॉपिक है एंगल ऑफ टिप पढ़ेंगे, ठीक है, टिप सर्कल पढ़ेंगे, ठीक है, ये सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक।